फाइनली साईं बाबा ने वापस बुलाया हमको, हम वापस आ गए। यहाँ पे कपल्स अगर दो हैं तो वो अब एक साथ हो सकते हैं। सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम है एक्सप्रेस फूड पॉइंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। अभी टाइम हो रहा है 10:52 और आज की जो मेरी जर्नी है मुंबई टू शिरडी, और आज बस की जर्नी है। हम लोग प्रीवियस ट्रेन जर्नी किए थे, आज बस जर्नी करेंगे। तो सारी डिटेल आप लोग को इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो एंड तक देखते रहो। तो अभी फिलहाल मैं हूँ साइन बस स्टैंड पे, जहाँ से सारी बसेस चलती है। एंड जो मेरी बस है वो गोरेगांव से आ रही है, मतलब गोरेगांव से होते हुए चार स्टॉप लेके साइन पहुंचेगी। साइन से नहीं बन रही है, गोरेगांव से बन के आ रही है। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नीता टूर्स एंड ट्रैवल्स की 2+1 AC स्लीपर बस में, जो चलती है मुंबई साइन से 11:30 को एंड शिरडी पहुंचाती है हम लोग को 6:15 को, 6:15 को। आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो इजीली, अगर आप लोग को ट्रेन नहीं मिलती है तो बस ऑप्शन है। बस चलती है गोरेगांव से बोरीवली, बोरीवली से होते हुए साइन स्टॉप है, तो आपका जो भी नियर बाय बस स्टैंड स्टॉप रहेगा आप लोग रेड बस के एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, या तो जो बसेस के काउंटर्स होते हैं वहाँ पे भी जाके आप टिकट बुकिंग कर सकते हो। टोटल इस बस की जो कैपेसिटी है, इस बस में टोटल 30 लोग बैठ सकते हैं, 30 पैसेंजर आ सकते हैं। 15 नीचे आएंगे, 2 एंड 1, एंड 15 ऊपर आएंगे, 2 एंड 1। 2 एंड 1 का मतलब होता है एक साइड में 2 लोग और एक साइड में 1 लोग। अगर आप लोग साइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग को, अगर जैसे आप लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया है, तो आप लोग के पास एक बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम है एक्सप्रेस फूड पॉइंट। यहाँ पे आप आके बर्गर वगैरह चाइनीज के सारे आइटम मिलते हैं, तो आप लोग आके खा सकते हो, क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो आप लोग को होटल ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट बस स्टैंड के बगल में है। आपको ये भाई मिल जाएंगे, आपका नाम शारिक कुरेशी, शारिक कुरेशी, आप आके इनसे मिल सकते हैं रीजनेबल प्राइस में, कोई ज्यादा प्राइस नहीं। जैसे कि हम लोग ट्रैवल करते हैं बाहर सिटी में तो एक्स्ट्रा प्राइसेस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, मुंबई में आपको सारी चीजें रीजनेबल में मिल जाएगी, तो आप लोग विजिट कर सकते हो। ये भाई लोग आप लोग को मिल जाएंगे सारे, लाइक करो, ठीक है, फॉलो करो भाई को। डन। और ये है साइन हाईवे, यहाँ से सारे टाउन जाने के लिए सारे ब्रिजेस और रोड कनेक्ट होते हैं, तो आप लोग को बगल में मिल जाएगा सारे बसेस काउंटर, यहाँ से सारी बसेस चलती हैं। ब्रिज के नीचे से भी बसेस काउंटर का ऑप्शन है, वहाँ से भी चलती है। और एक ये, वैसे मोस्टली मैं शिरडी जाने के लिए नाइट ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मैं ट्रेन से भी गया था तो नाइट को गया था, और बस से भी जा रहा हूँ तो नाइट, बिकॉज नाइट में क्या होता है, नाइट में आप ट्रैवल कर लो खाना पीना खा के, सुबह फ्रेश फ्रेश आप उतर जाते हो शिरडी में, तो क्या फ्रेशली आप दर्शन कर सकते हो। बस थोड़ा ही टाइम बचा है बस आने के लिए, 11:19 हो रहा है और 11:30 की है, और मैसेज भी आ चुका है कि ऑन द वे है बस। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करने वाली है मुंबई से लेकर शिरडी तक, 250 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करने वाली है ये बस। एंड ये डिस्टेंस कवर होगा नियर बाय आप 5.5 घंटा पकड़ के चलो, अगर रोड कंडीशन खराब रही तो 6 घंटा। एस्टिमेट टाइमिंग 5.5 आवर दिखा रहा है। तो बस में हम बोर्ड कर चुके हैं। आप लोगों को थोड़ा मैं बस में क्या क्या फैसिलिटीज होगी बता देता हूँ। ये वाली मेरी सीट है A5, एकदम फर्स्ट में है गेट के पास। यहाँ पे मिल जाएगा एक आपको रैक, बोतल वगैरह या आपका कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको कर्टन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, USB लगा के चार्ज कर सकते हैं। आपको एक AC पॉइंट और एक लाइट, जिसको भी आप बंद चालू कर सकते हैं, इसको भी आप AC बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। प्राइवेसी के लिए भी ये कर्टन्स मिल जाएगा, ब्लैंकेट मिल जाएगा, पिलो अंदर है। ये कुछ आप लोग को सिंपल सी फैसिलिटीज दी गई है, जैसे कि मैंने बोला था एक साइड में 2, एक साइड में 1, तो इसको बोलते हैं 2+1। यहाँ पे कपल्स अगर 2 हैं तो वो आप एक साथ हो सकते हैं, कोई सिंगल पर्सन है तो उसके लिए ये, जैसे कि सिंगल हम है तो हम लोगों के लिए ये सेक्स है। नीचे है तो अपर डेक भी है, टोटल ये मिला के होते 30, 15 नीचे 15 ऊपर, टोटल 30 लोग इस कोच में आ सकते हैं। राइट नाउ इज 1:35, अभी एक ब्रेक लिया गया है, अभी मे भी वॉशरूम ब्रेक है। यहाँ पे अगर किसी को कुछ खाना पीना तो खा लो, बिकॉज ये एक 20 मिनट्स का ब्रेक है, इसके बाद सीधा शिरडी के लिए रन होगी बस। सारे बोर्डिंग वाले पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, सारा बोर्डिंग हो चुका है, एक हॉल्ट के बाद सीधा रन होके नेक्स्ट हम लोग सुबह में उतरेंगे शिरडी में।
tomorrow. सो फाइनली आप पहुंचे साईं शिरडी मंदिर 6:34 6:15 का पहुंचाने का टाइम था, 15 मिनट लेट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी होटल बुक कर रखा है, वहां जाते फ्रेश वगैरह होते फटाक्स दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। जर्नी काफी अच्छी थी, पहली बार मेरे को इतनी कम्फर्ट वाली सीट मिली, बहुत अच्छी नींद आई यार, सच में बहुत कंफर्ट सीट थी। फाइनली साईं बाबा ने वापस बुलाया हमको, हम वापस आ गए शिरडी साईं के दर्शन करने के लिए। फाइनली रूम में आ चुके हैं, एक छोटा सा मैंने एक बस एक घंटे के लिए रूम लिया है 498 रुपीज में, एकदम नॉर्मल सा रूम है, ये देख सकते हो, एक बेड यहाँ पे स्टैंडर्ड सा है। तो एक आधा घंटा निकालना है फटक से, मैं नहा धो के दर्शन के लिए निकलूँ, क्योंकि मुझे निकलना है ऐसे दूसरी जगह के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 6:49। आप लोग को बता दूं, जो मैं नीता के बस से ट्रैवल किया मुंबई से शिरडी के लिए, उसका टिकट प्राइस था 615 रुपीज़, मतलब 615 रुपये टिकट प्राइस था टैक्स वगैरह जोड़ के। ज़रूरी नहीं कि आप लोग को इतना पैसा ही डाला, 400 में भी मिल जाता है, 500 में मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे और कौन से बस में आना है। नीता का थोड़ा हायर साइड में होता है कि ब्रांड वैसा है, बाकी अदरवाइज सस्ते में भी मिल जाएगा। चलो मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर जाएंगे, फिर बाय। 2 hours later. Good morning. Time हो रहा है 8:44. दर्शन वगैरह हो गया अच्छे से, प्रसाद वगैरह भी ले लिया, रूम चेकआउट भी कर दिया। अब निकल पड़े हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उससे पहले करेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट, पेट में कुछ डालेंगे, उसके बाद मुझे जाना है कोपरगांव। अगर आप लोगों को कोपरगांव जाना है तो मुंबई से डायरेक्टली बस ना के बराबर, तो बेटर होगा अगर आप लोगों को कोपरगांव जाना है तो शिरडी आए मुंबई से, मुंबई से शिरडी के लिए बहुत बसेस मिल जाएंगी। उसके बाद शिरडी आके यहाँ से आप ऑटो ले सकते हो, अभी मैं लूंगा आप लोगों को बताऊंगा कितना प्राइस कितना हुआ है, कि यहाँ से बहुत नज़दीक है, नियर बाय 5-10 किलोमीटर ही है कोपरगांव, तो आप लोग यहाँ से ऑटो लेके भी जा सकते हो। जुड़े रहो आगे तक, जब तक ऑटो में ना बैठ जाओ फिर वीडियो छोड़ के आप लोग चले जाना, क्योंकि तभी वीडियो ही एंड हो जाएगी। ये सुबह सुबह का मिसल पाव, मिसल है ये पाव, ये कांदा है नींबू। महाराष्ट्र में कहीं पे भी आओगे मुंबई या महाराष्ट्र में तो मिसल पाव जरूर खाना, बहुत फेमस है वड़ा पाव और मिसल पाव। तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी करके हो गया, शिरडी साईं बाबा के दर्शन भी होगा, मैं चला अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ से शेयरिंग ऑटो भी चलती है आप लोग को बता दूं, और प्राइवेट ऑटो भी लेके जा सकते हो, तो बहुत ऑप्शन है कोपरगांव जाने के लिए। तो चलो ये वीडियो में यहीं एंड करता हूँ, आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना। एज आई सेड, डोंट जस्ट ड्रीम, प्लान योर ड्रीम, वर्क मोर एंड मोर हार्ड। तो मिलते हैं आप लोग किसी नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय गुड फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, नए वीडियो में मिलते हैं। तो ऑटो मिल चुकी है, शेयरिंग ऑटो है, शेयरिंग ऑटो आप लोग को जाती है, ऑटो लेके भी आप जा सकते हैं। एक मिनट भैया।